मेरे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रक्रिया लागत लेखांकन। इस चैप्टर के रूल्स हमने पहले वीडियो में किए थे, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट कॉस्टिंग बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्टिंग के नाम से है। आज हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन नंबर एक हम आज देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखें, ये रहा क्वेश्चन नंबर एक। इसमें दिया हुआ है, एक वस्तु का निर्माण तीन प्रक्रियाओं में से पारित होता है। तो प्रोसेस तीन है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी। जनवरी 2013 माह में 500 इकाइयों का उत्पादन किया गया था। टोटल 500 यूनिट्स प्रोड्यूस की गई थी। तो ये आउटपुट होता है कि हमारा टोटल आउटपुट फाइनल कितना है। लागत लेखा पुस्तकें निम्नलिखित सूचनाएं प्रदर्शित करती हैं। मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीन खर्चे दे रखे हैं जो डेबिट साइड में लिखे जाएंगे, प्रोसेस ए अकाउंट में भी, बी अकाउंट में भी और सी अकाउंट में भी। आपको एक, दो और तीन अकाउंट तैयार करने पड़ेंगे इसमें अलग अलग। अब उसके बाद में आपके आता है, इस अवधि से संबंधित अप्रत्यक्ष व्यय 1400 रुपए के थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रक्रिया बी का गौण उत्पाद, गौण उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट आपको बताया था, रूल्स पता थे समय क्या होता है, तो वो 145 रुपए में तथा प्रक्रिया सी का अवशेष 166 रुपए में बेचा गया। तो इसको भी अपने को लिखना पड़ेगा। प्रत्येक प्रक्रिया का खाता बनाकर नियमित वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए। तो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना है और अकाउंट बनाना है। और ये आपके आंसर दे रखे हैं कि हर स्टेज पर आपके कॉस्ट पर यूनिट कितना आता है, ये आपका मेन आंसर रहेगा। तो बच्चों, क्वेश्चन आप देख लें, क्वेश्चन में मेन पढ़ने लायक चीज ये एक थी जिसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहे हुए हैं जो हमें तीनों प्रोसेस में बांटने हैं। प्रक्रिया बी का बाय प्रोडक्ट है और प्रक्रिया सी में वेस्टेज है, दोनों बेचे जाते हैं, तो ये बाय साइड में लिखे जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। फिर बच्चों, सबसे पहले आप प्रोसेस ए अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट बनाते समय डेबिट और क्रेडिट दो साइड हो जाएंगे इसकी। डेबिट साइड में यूनिट का एक कॉलम एक अमाउंट का, और क्रेडिट साइड में भी यूनिट और अमाउंट का कॉलम रहेगा। अब लिखने का तरीका इस तरीके से रहेगा, सबसे पहले लिखेंगे टू मटेरियल। तो मटेरियल आपके दिया हुआ है 3000, अमाउंट और यूनिट ओवरऑल दे रखी है, तो हम भी ओवरऑल यूनिट एक बार सीधा यहां पे लिख देंगे, 500 यूनिट। ठीक है, मटेरियल के बाद में आपके आता है लेबर, तो टू लेबर। लेबर आपके प्रश्न में दे रखी है 2500, तो यहाँ पे डैश लग जाएगा 2500। फिर उसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो लिखेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो आपके कितना है 500, डैश करेंगे यहाँ पे 500 लिखेंगे। और फिर टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें टोटल 1400 दे रखा है ना, और कुछ कहा भी नहीं है प्रश्न में, तो इसका नोट लिख ले यहां पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी 1:1। अगर प्रश्न में आपके कुछ नहीं कहा जाता है तो लेबर के अनुपात पर बांट दो। तो लेबर का अनुपात प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी में 2500, 2000 और 2500 है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 2500, 2000 और 2500 है। तो अनुपात में अगर हम बांटें तो 5:4:5 होता है, टोटल 14। अनुपातों का योग कितना आएगा, 14 आएगा ना। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे बांटोगे, 1400 इंटू 5/14 कितना होता है, 500 होता है। बस ये इनडायरेक्ट को बांटना हो गया। कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आ गया। कभी भी ऐसा हो कि दिया हुआ नहीं है कैसे बांटो, तो लेबर के अनुपात में आप उसको
बांट देंगे। अब इधर लिखेंगे बाय, और इसमें कुछ नहीं है तो लिख दो बाय ट्रांसफर टू बी प्रोसेस, बी अकाउंट लिख दो, ठीक है। इधर का टोटल लगाएंगे, इधर का भी टोटल लगाएंगे, तो इधर यूनिट में तो लिखेंगे 500, अमाउंट की टोटल आती है 6500, इधर भी आप यूनिट लिखेंगे 500, यहाँ पे लिखेंगे 6500, और खाता बंद भी इतने से हो जाएगा, क्योंकि जो भी आपने बनाया उसको आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे ना। तो हमने 500 यूनिट बनाई, 6500 रुपए लगे, तो इसको हमने क्या कर दिया, बाय ट्रांसफर टू बी अकाउंट। ए का जो भी कॉस्ट है वो बी में ट्रांसफर हो गया, प्रोसेस में यूनिट 500 और अमाउंट 6500, सही है। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? अब इस प्रश्न में अपने से एक बात और पूछिए, सीपीयू बताओ। तो सीपीयू यहां जगह पड़ी है इसलिए यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूं, 6500 बट्टे 500 कितना होता है, 13 रुपए। ये आपका पहला आंसर हो गया, कोई दिक्कत पूछो। ये कैलकुलेशन आप चाहे तो इस जगह पे भी, खुली जगह में भी कर सकते हैं। यहां तक किस किस को समझ में, हाथों पर करें, कोई डाउट? अब देखें प्यारे बच्चों, प्रोसेस बी अकाउंट। तो प्रोसेस बी अकाउंट में सबसे पहले उधर से ये इधर ट्रांसफर होगा, तो लिखेंगे टू प्रोसेस ए अकाउंट, 500 यूनिट आया और 6500 उसकी कॉस्ट। अब ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि ऐसा हर बार करना है अपने को। अब यहां पे और खर्चा हुआ तो लिखेंगे टू मटेरियल, मटेरियल कितना खर्च हुआ, अब डैश लगेगा यहाँ पे, मटेरियल का खर्च है हाँ बेटा 1500, फिर मटेरियल के बाद में टू लेबर, वो आपके है 2000, फिर उसके बाद में टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है 2100, और टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो वो 1400 इंटू 4/14 कितना होता है 400। बस ये इधर तो इतना ही आएगा, इधर का टोटल लगा लेंगे। अभी इधर आ जाते हैं, तो इधर आपको सबसे पहले इसने कहा कि बी में क्या था, बाय प्रोडक्ट था है ना, तो लिखेंगे बाय सेल ऑफ, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट कितना किया 145 रुपए, तो यहाँ पे 145 लिखेंगे 140, ठीक है। अब अंतर जो आएगा उसे लिख देंगे बाय प्रोसेस सी अकाउंट, तो टोटल लगानी पड़ेगी दोनों तरफ। इधर का टोटल आता है आपके यूनिट में तो 500 ही है, उसमें तो कोई अंतर ही नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 500, इधर लिखेंगे 12500, इधर भी 500 और 12500। अब अंतर जो आया ना, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, तो यूनिट में तो 500 ही और अमाउंट में 12355। अब अपने को इसमें कॉस्ट पर यूनिट लेनी है, तो मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ, सीपीयू 12355/500 कितना आता है 24.71। आंसर दिया हुआ है, ये आपका दूसरा आंसर हो गया, आप इसे यहां पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है प्रोसेस सी, तो प्रोसेस सी के लिए देखो बच्चों, यहां से ट्रांसफर होगा, ये रहा प्रोसेस सी लिखा हुआ था, तो लिखे टू प्रोसेस बी अकाउंट, बी से आया ना, तो बी से कितना आया, यूनिट तो आई 500
और कॉस्ट थी 12,355। अब इसका खर्चा टू मटेरियल, टू लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस और टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, चार चीजें इसमें आएंगी। कितनी अमाउंट दे रखी है बच्चों? 1,2500 है ना, 1,2500 और 905, और ये आपके 1400 इंटू 5/14 500। इधर इतना ही है, यहाँ पे टोटल लगा लो। इस तरफ आपके था बाय सेल ऑफ स्क्रैप 166 रुपए का स्क्रैप बेचा आपने, प्रश्न में दिया हुआ था। अब आप लिखेंगे बाय, अब देखो प्रोसेस तो सारी खत्म हो गई ना, तो सी जो प्रोडक्ट हमारा था प्रोसेस, वहां से अब फिनिश गुड्स लिखा जाएगा, यानी फिनिश गुड्स अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाता है। तो इधर का टोटल 500, इधर का टोटल बोलना कितना आता है? 17,260। अब इधर भी आपके वही टोटल लगानी और डिफरेंस निकालना है, तो यूनिट में तो आपके 500 ही चलेगा। 17,260 में से 166 घटा दो, 17,094, और यहाँ पे भी आप लिखेंगे 500 और 17,260, ये आपकी टोटल होगी। अब आपका अगला पार्ट आता है सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट, तो उसमें 17,094 डिवाइड बाय 500 कितना आता है? 34.18, ये आपका आंसर हो गया। तीनों प्रोसेस का कॉस्ट पर यूनिट का आंसर हमने ले लिया। इतना ही सवाल है प्यारे बच्चों, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी, तीनों अकाउंट हमने बनाए, ये आपके तीनों आंसर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सही है ना। तो क्वेश्चन एक बार आप वापस एक बार स्क्रीनशॉट बच्चों आप लेके रखे क्वेश्चन का, तो आपको बार बार दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ये इतना ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें दिया हुआ है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहां से पढ़े, एक निर्माणी कंपनी बी तथा क्यू दो प्रकार की वस्तुएं उत्पादित करती है, दो तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, कौन कौन सा? बी और क्यू, जिन पर सामग्री समान रूप से प्रयुक्त की जाती है, दोनों में जो मटेरियल है वो एक जैसा है और एक समान है। दोनों प्रकार की वस्तुओं को फैक्ट्री पहली प्रोसेस और परिसज्जन दूसरी प्रोसेस, फैक्ट्री और फिनिशिंग, फिनिशिंग मतलब परिसज्जन होता है, दोनों प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित किया जाता है। प्रत्यक्ष श्रम की लागत का पृथक रूप से अभिलेखन किया जाता है, जो लेबर है उसको अलग से लिखा जाता है। प्रत्यक्ष सामग्री और सामान्य व्यय उत्पादित वस्तुओं की संख्या के आधार पर और ऊपरी व्यय प्रत्यक्ष श्रम के आधार पर अनुभाजित किए जाते हैं। किसके बारे में इसने कहा? सामग्री और सामान्य व्यय वस्तुओं की जो संख्या है, उत्पादित वस्तुओं की संख्या के आधार पर, जबकि ओवरहेड जो है वो लेबर के अनुपात में, प्रत्यक्ष श्रम लेबर के अनुपात में अनुभाजित किया जाता है, यानी डिवाइड किया जाता है। देखो यहाँ पे ये लाइन इंग्लिश में भी देख लो, डायरेक्ट मटेरियल एंड जनरल एक्सपेंसेस आर अपोर्शनड इन द रेशियो ऑफ आउटपुट, आउटपुट के रेशियो में, एंड ओवरहेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट लेबर, लेबर के अनुपात में बांटते हैं। निम्नलिखित विवरण के आधार पर प्रक्रिया खाता तैयार कीजिए था और लाभ का विक्रय मूल्य पर प्रतिशत बताइए। माह का उत्पादन पी का 2,000 है, क्यू का 1,000 है, दोनों का उत्पादन दे दिया, प्रोडक्शन है ना इकाइयों में, यूनिट्स में है, ये भी यूनिट्स है, ये भी यूनिट्स है। विक्रय मूल्य प्रति इकाई पी का 200 रुपये है और क्यू का 225 रुपये है, ये आपके सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब अपने नीचे इंफॉर्मेशन में क्या दिया है वो देखें,
ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ये तीन चीजें जब भी दे रखी हो तो हमें पता है कि मटेरियल कंज्यूम्ड कितना लगा, ये चीज कैलकुलेट करनी होती है। वेजेज पी की अलग दे रखी है, क्योंकि अलग दे रखी है। ओवरहेड आपके दे रखे हैं, फैक्ट्री में कितना लगता है और फिनिशिंग में कितना लगता है, और जनरल एक्सपेंसेस टोटल में दे रखे हैं, जैसे अपने को यूनिट के अनुपात में बांट देना है। ये आपके नीचे आंसर दे रखे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन को। एक बार आप लोग है ना क्वेश्चन, जैसे यहाँ से हम, मैंने वीडियो आगे लूंगा, आप लोग इसको वापस पीछे से पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया करें और अपने स्क्रीन शॉट लेके भी रखे, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। घर बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। उसके लिए मैंने आपके फैक्ट्री प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट लिया है। अब आप चूंकि आप जानते हैं कि दो प्रोडक्ट इसमें बन रहे हैं, एक पी और एक क्यू, तो दोनों प्रोडक्ट की अलग अलग अपने को कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। इसलिए अमाउंट के जो कॉलम है हमने वो दो लिए हैं, एक आपका हो जाएगा पी और दूसरा क्यू। इस बार हमने यूनिट का कॉलम नहीं लिया, क्योंकि यूनिट हम चाहे तो ऊपर ही लिख सकते हैं। P जो है वो आपके 2000 यूनिट थी और Q 1000 यूनिट, ये हमने ऊपर ही लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को, इसके अलावा जरूरत भी नहीं है इसकी। तो हम अमाउंट के सिर्फ दो ही कॉलम लेंगे, सबसे पहला पॉइंट ये था। अब इसमें एक एक करके अपने को सारे खर्चे लिखने हैं। सबसे पहले मटेरियल, तो मटेरियल में अपने को क्या करना है, मटेरियल कंज्यूम्ड लिखना है, तो यहां पर लिखेंगे टू मटेरियल कंज्यूम्स, ये और इस पे स्टार लगा लो। मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं, नीचे यहां पे स्टार पॉइंट कैलकुलेट कर लो। मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये इसका रूल होता है। तो अपने तीनों चीजें दे रखी है प्रश्न में, ओपनिंग स्टॉक 5300 प्लस परचेज आपके दे रखा है 1,58,700 माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 41,000, कितना आता है बच्चों कैलकुलेट करके बताएंगे, 1,23,000। प्रश्न में कहा है कि मटेरियल का खर्चा जो है वो यूनिट के अनुपात में बांटना है, और यूनिट का रेशियो है 2:1, तो इसको आप किस में बांटोगे, 2:1 में बांट दो। तो P का कितना आता है और Q का कितना आता है ये बताना है। पहले का आता है 82,000 और दूसरे का 41,000। 1,23,000 को हमने 2:1 में बांटा, ऐसा प्रश्न में कहा था। नंबर दो, मटेरियल के बाद में आपके है वेजेज, पी और क्यू दोनों की दे रखी है, तो वेजेज अलग अलग ही दे रखी है, 80,000 और 60,000, 80,000 और 60,000। इसका भी रेशियो अपने को जरूरत पड़ेगी, तो वेजेज रेशियो यहां पे लिख दो। वेजेज रेशियो 8 और 6 हो गया, और 8 और 6 को अगर आप और काटते हो तो क्या हो जाता है, 4:3, और अनुपात तो का योग हो गया 7। तो वेजेज भी लिख दिया। अब लिखो 2 ओवरहेड, तो ओवरहेड आपके कितना दे रखा है, हाँ बच्चों प्रश्न में देखो ओवरहेड दिया हुआ है 60,000, और ओवरहेड को किस अनुपात में बांटना है प्रश्न में ये भी लिखा है, हाँ बच्चों हाँ, ओवरहेड 31,500 है ना, उस 31,500 को किस अनुपात में बांटना है, ऐसा प्रश्न में क्या लिखा है, मैं लाइन पढ़ लेता हूं। ओवरहेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो ओवरहेड को डायरेक्ट लेबर के अनुपात में बांटना है, तो लेबर का अनुपात 4:3 है, तो हमारा टोटल खर्च इसमें दे रखा है 31,500।
तो इस 31,500 को 4:3 में बांटो, कितना कितना आता है? 18,000 और 13,500, एक कैलकुलेट हो जाता है ना, तो टोटल में से दूसरे को घटा दो तो आंसर आ जाएगा एक का। हो गया बच्चों? उसके अलावा अब अपना बचा जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस हम यहाँ पे नहीं बांटेंगे, हम उसको सबसे लास्ट में जब फाइनल प्रॉफिट निकालेंगे ना तब कर देंगे। तो जनरल एक्सपेंसेस को यहाँ पे नहीं लेंगे, इधर का टोटल लगा लो, इधर का भी टोटल लगाना है। पहले इधर का टोटल कितना आता है बच्चों? ए का और बी का 1,80,000, और दूसरे का इधर का कितना आता है? 60 और 1,00,000, 1,14,500। हो गया बच्चों? ये ट्रांसफर हो जाएगा बाय फिनिशिंग प्रोसेस। और अमाउंट आएगी 1,80,000 और 1,14,500, और यहाँ पे भी 1,80,000 और 1,14,000। कोई दिक्कत है बच्चों? कॉस्ट पर यूनिट निकाले, सीपीयू, सीपीयू 1,80,000 भाग 2,000 कितना आता है? और ये तो हुआ किसका? पी का। और क्यू का आएगा 1,14,500 भाग 1,000। पहले का कितना आता है? 90 आंसर दिया हुआ है क्या? और दूसरे का 114.5। ये आपके आंसर दिए हुए हैं, ये आपका पहला पार्ट समाप्त होता है। इसी तरह से दूसरा पार्ट लेंगे फिनिशिंग का। तो फिनिशिंग में सबसे पहले आप यहां लिखेंगे टू मटेरियल, सॉरी पहले पिछली प्रोसेस लाएंगे ना, टू प्रोसेस, क्या नाम था उसका, फैक्ट्री, फैक्ट्री प्रोसेस कितना है बच्चों? 1,80,000 और 1,14,500। ठीक है, अब यहां के खर्चों में मटेरियल कंज्यूम्ड, और यहां पे भी स्टार लगा दो, ये निकाल के लाना पड़ेगा, और टू वेजेज और टू ओवरहेड खर्चे, ये तीन आएंगे। मटेरियल आपके कंज्यूम निकालना है तो बच्चों वही स्टार लगा दो, ओपनिंग स्टॉक मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो ओपनिंग स्टॉक आपके इसमें दे रखा है 2,500, प्लस परचेज है 67,500, माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 22,000, कितना आता है? 48,000। इस 48,000 को आपको बांटना है 2:1 में, कितना आता है? पहले का 32,000 और दूसरे का 16,000, आधा होता है उसका। वेजेज अलग अलग दे रखी है अपने को, 45,000 और 15,000, तो 45,000 और 15,000, सही चल रहा है। अब ओवरहेड में आपके टोटल दे रखा है दोनों का मिला के 12,000, तो 12,000 को आपको 4:7 में बांटना है, कितना होता है? पहले का 4,000। वेजेज के अनुपात में बांटना है, यहाँ पे वेजेज बदल गई ना, इसको बांटेंगे स्टार लगा दो, वेजेज रेशियो। तो वेजेज रेशियो, यहां वाला वेजेज का रेशियो है 45,000 और 15,000, तो 3:1 सही है ना। तो 4 से बांटोगे इसको तो कितना होता है?
अनुपातों का योग 4 हो गया, तो 3/4 9,000 और 1/4 3,000। ये आपका ऐसे सवाल है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझते हुए करना होता है। इधर आप लिखेंगे बाय फिनिश गुड्स, बैलेंसिंग फिगर, और इधर का टोटल लगाएंगे। कितना आता है टोटल बच्चों? पहले का टोटल कितना आया? 2,66,000, और इधर का 1,00,000। तो ₹48,500, 1,48,500, और ये इधर एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा 2,66,000 और 1,48,500। टोटल 2,66,000, 1,48,500। और सीपीयू चाहिए तो कॉस्ट पर यूनिट 2,66,000, इसमें 2,000 का भाग दे दो और ये तो हो जाएगा पी का, और क्यू का जो है वो 1,48,500 में 1,000 का भाग दे दो। कॉस्ट पर यूनिट पहले का कितना आता है? पहले का कॉस्ट पर यूनिट कितना आता है? 133, और दूसरे का 148.5। ये आपका सवाल हो गया, ये आंसर हो गए दोनों सही है। अब प्रश्न में कहा है प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कहा है ना, सही है क्या? टोटल प्रॉफिट का है क्या? अगर जो पी और क्यू के लिए प्रॉफिट कैलकुलेशन का और का है, तो इसलिए हमने क्या करा, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए पी और क्यू दो कॉलम बना दिए। टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई है पहले की 2,66,000 और दूसरे की 1,48,500, सही है। उसके बाद में आपके जनरल एक्सपेंसेस हैं, तो प्लस जनरल एक्सपेंसेस कर दो। तो जनरल एक्सपेंसेस टोटल प्रश्न में दिया हुआ था 72,000। इस 72,000 को यूनिट में बांटना है, तो यूनिट का रेशियो है 2:1, तो पहले में कितना आएगा डिवाइड करें? दो बटे तीन हो जाएगा, 72,000 इंटू 2/3। पहले का 48,000 और दूसरे का 24,000। अब जनरल एक्सपेंसेस जोड़ दिया ना, तो अब फाइनल टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट जोड़ लगाओ कितना आता है? पहले का 3,14,000 और दूसरे का 1,72,500। अब उसके बाद में आप लिखो सेल्स, ये तो हो गई कॉस्ट है ना, कॉस्ट के नीचे एक लाइन कर दो। सेल्स प्रश्न में दे रखी है, सेल्स में 2,000 यूनिट जो है उसको वो बेचने के लिए बोलता है कितने रुपए में? 200 रुपए में, सही है ना। ये तो हो गया पी का, और क्यू के लिए वो कहता है कि 1,000 यूनिट है उसको वो बेचेगा 225 रुपए में, 225 में, ये क्यू का हो जाएगा। तो सेल्स कितना कितना आया पहले का बताना तो बेटा, 4,00,000 और दूसरे का 1,000 से गुणा करेंगे 2,25,000, सही है। अब आपके सेल्स भी आ गई, ये सेल्स है ना, तो प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट बराबर सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, तो 4,00,000 में से घटाओ आप ये 3,14,000, कितना आता है पहले का प्रॉफिट? 86,000, कितना आता है? 86,000, 52,500। ये प्रॉफिट हो गया। अब परसेंटेज निकाल दो सेल्स पे, तो प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 करना है, करना तो बेटा 86,000 बट्टे 4,00,000 इंटू 100,
बट्टे 4 लाख इंटू 100 कितना परसेंट आता है? 21.5। दिया हुआ है ना बच्चों, 21.5% ये प्रॉफिट हो गया। और इसका 52,500 52,500 अपॉन 2,25,000, इसमें इसका भाग दो इंटू 100 करो, कितना आता है? 23.33%। ये आपका इतना ही सवाल है, सुन में आया प्यार बच्चों? आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।